देखिए, जहाँ तक सवाल आप पूछ रहे हो, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को, एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो, जेल में कितना बड़ा टिफिन जा रहा है खाना का, किसी किसी का सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतजाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पर भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है, और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था, 400 कैसे? कल आपने देखा सांसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया? आप बताइए, नाम बदलने हैं? अरे, गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उनका नाम बदल दिया आपने। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे तो नाम पूछा तो कहो नाम बदल दें आपका। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि 4.5 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। अब उनका वो देखिए, जो मुकदमे थे वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा? जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं, और कम से कम ये मामला बहुत तेजी से था, योगी जी ने किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हो, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो सुचिंता कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? वो नंबर वन नीचे से था, वो थोड़ी किताब गलत देख ली उन्होंने।